नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके मेरे चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, से बात करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दो, अगर मिस्टर डेट टेक्नोलॉजी बेस और मार्केटिंग अल्टी जान चाहते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी स्कीम है। इस योजना में पीपीएफ की तुलना में ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ये माता पिता की टैक्स प्लानिंग में भी मदद करता है। अपनी 10 साल तक की बेटी के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। इस पर वर्तमान में 8.1% सालाना का ब्याज मिल रहा है, जो कि पीपीएफ के मुकाबले अधिक है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में खुलवा सकते हैं। जो बैंक पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? इसके लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, जमाकर्ता माता पिता का पहचान पत्र, जमाकर्ता के पते का प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से प्राप्त कर सकते हैं या नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। खाता खुलने के बाद आपको पासबुक मिलती है। पैसे जमा के लिए आप नेट बैंकिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। आप ये खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक हों। आप एक बेटे के नाम पर एक ही खाता खुलवा सकते हैं, दो बेटियों के नाम पर यह खाता खुलवा सकते हैं। इससे आपको पीएफ से अधिक ब्याज मिल रहा है। इसमें जमा की जाने वाली राशि पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती का लाभ मिलता है। इसमें ब्याज के साथ साथ मेच्योरिटी पर भी मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री होती है। इसमें आप न्यूनतम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं, एक साल में अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अगर आप किसी साल न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाते हैं तो अगली बार पैसे जमा करवाते समय 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। बेटी के 18 साल के होने से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उसके 21 साल होने पर अकाउंट मैच्योर हो जाता है। बेटी के 18 साल पूरे करने के बाद आप 50% तक निकाल सकते हैं। अगर 18 साल में बेटी की शादी हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा। खाते में पड़ी रकम अभिभावक को दे दी जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोस का अपलोड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।